हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एटी वर्ल्ड अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ साइड के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं विथ रैशनल के साथ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके, आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। इसके अलावा आप हमारे एडी वर्ल्ड अकेडमी के एंड्रॉयड ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे रोज आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगी, क्विज वहाँ पे आपको अवेलेबल रहती है। तो बिना किस टाइम इसके आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड में फर्स्ट क्वेश्चन आज का द नर्स इज प्रिफरिंग टू एडमिनिस्टर एन एंटेरल फीडिंग टू ए क्लाइंट वायर ए नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब। एक नर्स है जो प्रिपेयर कर रही है पेशेंट को, उसको एंटेरल फीडिंग दे रही है किसके द्वारा, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा। The most important action of the nurse is, तो इस दौरान नर्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन वो क्या होने वाला है। ऑप्शन फॉर ए देखते हैं अपन। ए कहना चाह रहे हैं वेरीफाई करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, कि आपको जो ट्यूब है जहाँ जिससे आप फिटिंग दे रहे हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब उसका आप करेक्ट प्लेसमेंट वेरीफाई करना है। ऑप्शन बी कहना चाह रहे हैं चेक दैट द फिटिंग सॉल्यूशन मैच द डायटरी ऑर्डर, कि आपको चेक करना है जो आप फीडिंग सॉल्यूशन दे रहे हैं वो डायटरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो आपको चेक करना है। सी ऑप्शन यहाँ कहना चाह रहा है एस्पिरेट एब्डोमिनल कंटेंट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लास्ट फीडिंग रिमेनिंग इन स्टोमक, कि एस्पिरेट एब्डोमिन से कंटेंट वो एस्पिरेट करना है और आपको पता करना है कि लास्ट फीडिंग के द्वारा जो कंटेंट दिया गया था वो रिमेनिंग स्टोमक के अंदर कितना रह गया है। ऑप्शन डी कहना चाह रहे हैं इंश्योर दैट द फीडिंग सॉल्यूशन इज एट रूम टेम्परेचर, आपको श्योर इंश्योर करना है कि जो आप फीडिंग सॉल्यूशन दे रहे हैं वो रूम टेम्परेचर के बराबर है, उसका जो टेम्परेचर वो रूम टेम्परेचर के बराबर है। तो इस ऑप्शन के अंदर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन नर्स का बताना है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से फीडिंग दे रही है नर्स पेशेंट को, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है वेरीफाई करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, क्योंकि वेरीफाई अगर करेक्ट प्लेसमेंट ट्यूब होगा तो ही आपको पता है कि स्टोमक के अंदर राइस ट्यूब होनी चाहिए तो आपको फीडिंग देनी है। अगर वो उसका प्लेसमेंट राइट नहीं है किसी और जगह पे है तो आपको फीडिंग नहीं देनी। वेरीफाई का मेथड होता है कंफर्मेटरी मेथड क्या होता है, एक्सरे होता है, कंफर्मेटरी मेथड एक्सरे होता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, मोस्टली बॉडी के अंदर जो भी ट्यूब वगैरह इंसर्ट किए जाते हैं उनका प्लेसमेंट देखने के लिए 99% केसेस के अंदर एक्सरे यूज किया जाता है। तो आप या चेक द फिटिंग सॉल्यूशन वगैरह, ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन नहीं होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए सीरम पोटेशियम लेवल ऑफ 3.5 मिलीग्राम पर लीटर, कि एक पेशेंट है जिसका नर्स केयरिंग कर रही है उसका पोटेशियम लेवल है, सीरम पोटेशियम लेवल 3.5 मिलीग्राम पर लीटर है। द नर्स क्लाइंट इज प्लेस ऑन कार्डियक मॉनिटर एंड रिसीव 40 मिलीग्राम पोटेशियम क्लोराइड इन 1000 ml ऑफ 5% डेक्सोज इन वाटर आईवी, कि पेशेंट है वो कार्डियक मॉनिटर पे है, कार्डिक मॉनिटर पेशेंट को लगा हुआ, उसके अलावा 40 मिली क्यूलेंट पोटेशियम क्लोराइड 1000 ml 5D5 के अंदर ले रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईकेजी इंडिकेट दैट नर्स दैट द इन्फ्यूजन शुड बी डिसकंटिन्यूड, कि इसके फाइंडिंग के अंदर कौन सा जो ECG का पैटर्न है उसको देख के नर्स यहाँ पे जो इन्फ्यूजन चल रहा है उसको डिसकंटिन्यू कर देगी। यहाँ पे पहले पोटेशियम की बात कर लेते हैं। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल, सीरम पोटेशियम लेवल का नॉर्मल लेवल है वो कितना होता है, नॉर्मल लेवल कितना होता है, सीरम पोटेशियम का नॉर्मल लेवल 3.1 से लेके 5.5 नॉर्मल होता है।
3.5 से लेके 5.1 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर यहाँ पे नॉर्मल फाइंडिंग मानी जाती है पोटेशियम सीरम पोटेशियम लेवल की। तो इसके अलावा पोटेशियम को हमेशा आईवी इन्फ्यूजन के अंदर ही दिया जाता है, इन्फ्यूजन के अंदर ही दिया जाता है, डायरेक्ट आईवी पुश कभी भी नहीं करते, ये आपको चीजें याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट नैरो क्यूआर कॉम्प्लेक्स, जो नैरो क्यूआर कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या किसका दर्शाता है, फास्ट कार्डियक रिथम को दर्शाता है, कार्डियक रिथम, फास्ट कार्डियक रिथम को दर्शाता है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो हार्ट रेट है वो 100 से लेके 120 बीट पर मिनट तक हो जाएगी, तो ये क्यूआर कॉम्प्लेक्स उसको दर्शाता है। बात करें अपन शॉर्टेंड पीआर इंटरवल की, तो शॉर्टेंड पीआर इंटरवल है वो प्री एक्सप्रेशन सिंड्रोम को दर्शाता है, प्री एक्सप्रेशन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं टॉल टी वेव की, तो टॉल टी वेव होती है वो हमेशा हाइपर कैलेमिया को इंडिकेट करती है, हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया को दर्शाती है। इसके अलावा अपन डी ऑप्शन की बात करें प्रोमिनेंट यू वेव, तो प्रोमिनेंट यू है वो हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया को दर्शाती है। पर हाइपरकैलेमिया कब होगा, हाइपरकैलेमिया अगर पोटेशियम का लेवल सीरम पोटेशियम लेवल 5.1 से ज़्यादा हो जाएगा, मिलीक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा, वो कंडीशन हाइपरकैलेमिया के अंदर काउंट होती है। हाइपोकैलेमिया की बात करें तो इसके अंदर लेस देन 3.5 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाएगा पोटेशियम लेवल, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया के अंदर प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलेगी। अपन ईसीजी पैटर्न की बात करें, ईसीजी पैटर्न की बात करें तो ईसीजी इस तरह से होती है, यहाँ पे पी वेव, ए क्यू, आर, एस और ए टी, ये नॉर्मल ईसीजी है। तो यहाँ पे ये क्यू आर कॉम्प्लेक्स बन गया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसको क्यू आर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो इस तरह से अगर नैरो क्यू आर कॉम्प्लेक्स था तो फास्ट कार्डियक रिथम को दर्शाएगा, अगर यहाँ पे टॉल टी वेव है ये इस तरह से बन जाती है तो ये किसको दर्शाएगी, ये हाइपरकैलेमिया को इंडिकेट करेगी, और ये अगर इस तरह से आ जाती है टी वेव तो वो हाइपोकैलेमिया को इंडिकेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीडी से रोगम से, रोगम इज मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड टू ट्रीट, यहाँ पे दिया गया है कि जो रोगम जिसको एनटीडी बोला जाता है, रोगम क्या होता है, एनटीडी, एनटीडी होता है यूज टू ट्रीट मदर की कौन की, आरएस नेगेटिव मदर में यूज होगा, आरएस पॉजिटिव में, ये ऑप्शन भरना है आपको, डेट हैव इन्फेंट, इन्फेंट बच्चा कैसा होगा, इसके अंदर किस कंडीशन के अंदर यूज किया जाएगा, मदर कौन सी होगी और इन्फेंट कौन सी कंडीशन के अंदर होगा जिससे हम यहाँ पे यूज एंटी, जो एंटीटी जिसको रोगम बोला जाता है यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं आर एस पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होते ही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे डायरेक्टली रॉन्ग है। इसके अलावा बात करते हैं आर एस नेगेटिव, तो ये भी रॉन्ग है, दोनों नेगेटिव नहीं होते, दोनों पॉजिटिव नहीं होते। तो इस तरह से अगर बी ऑप्शन की बात करें, आर एस पॉजिटिव मदर, आर एस नेगेटिव इन्फेंट, तो आर एस पॉजिटिव मदर नहीं होती है, आर एस पॉजिटिव मदर नहीं होती, आर एस नेगेटिव इन्फेंट नहीं होता, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बताया आर एस नेगेटिव मदर, आर एस पॉजिटिव इन्फेंट या बेबी। तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर जानने वाला है, जो एनटीडी है वो अगर आर एस पॉजिटिव मदर है, आर एस पॉजिटिव बेबी है, आर एस नेगेटिव मदर है, तो वहाँ पर डिलीवरी के आफ्टर डिलीवरी विथिन 72 आवर्स के अंदर यहाँ पे ये इंजेक्शन यूज किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। अबॉर्शन के बाद भी यहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है, 15 माइक्रोग्राम इंजेक्शन अबॉर्शन के बाद यूज किया जाता है। इसके अलावा आफ्टर डिलीवरी के बाद यहाँ पे 300 माइक्रोग्राम इंजेक्शन लगाया जाता है, जो सबक्यूटेनस भी लग सकता है, प्रीफिल्ड सिरिंज के अंदर आईएलबी वायल के अंदर आता है, वो डॉक्टर एससीबी जैसा ऑर्डर करता है उस तरह से आपको देना होता है। तो इस तरह से यहाँ पे एनटीटी की बात हो गई,
एंटीडी क्या करता है, एंटीडी जो एंटीबॉडीज बन जाती है मदर के अंदर, उनको एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जिससे कि सेकेंड बेबी के अंदर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिनाइलकेटोन्यूरिया से, ए न्यू मदर हैज सम क्वेश्चन अबाउट फिनाइलकेटोन्यूरिया पीकेएम। एक न्यू मदर वो फिनाइलकेटोन्यूरिया के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ रही है नर्स से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बाय नर्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पीकेएम, कि जो नर्स ने चार स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपका राइट नहीं है, वो स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो आपको फिनाइलकेटोन्यूरिया के बारे में पता होना चाहिए। तो फिनाइलकेटोन्यूरिया क्या होता है, कि फिनाइलकेटोन्यूरिया का ब्लड के अंदर फिनाइलएलानिन का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज फिनाइलएलानिन लेवल इन ब्लड, तो उस वजह से क्या फिनाइलकेटोन्यूरिया जिसको बोला जाता है पीकेएम शॉर्ट के अंदर। तो इसका क्या एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो भी नेसेसरी होता है बॉडी की ग्रोथ के लिए, स्पेशली ब्रेन ग्रोथ के लिए। ब्रेन ग्रोथ कंपल्सरी फॉर ब्रेन ग्रोथ के लिए इनिशियल एज के अंदर। तो यहाँ पे दे रखे हैं ए ऑप्शन, बू थ्री टेस्ट कैन टेक द नेसेसरी लैब वैल्यू, कि यहाँ ये राइट आंसर सही, ये आंसर यहाँ पे ऑप्शन सही है कि बूथरी टेस्ट यूज किया जाता है लैब वैल्यूज के अंदर, ब्लड सैंपल वगैरह लेते हैं उसके अंदर। तो बूथरी टेस्ट के लिए सैंपल लिया जाता है, वो किसे लिया जाता है, हीम से ब्लड सैंपल, सैंपल बाई टेकन बाई हील्स, बच्चे के इन्फेंट की जो फील्स होती हैं वहाँ से सैंपल लिया जाता है। बूथरी कार्ड्स होते हैं जिनको डॉक्टर बूथरी टेस्ट के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा बूथरी टेस्ट का आजकल रिप्लेसमेंट हो गया, इसका दूसरा टेस्ट, इसका जो पहले बूथरी टेस्ट हो, लेकिन आजकल कौन सा टेस्ट होने लग गया, टेंडम, टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेस्ट होने लग गया है, बूथरी टेस्ट के लिए रिप्लेस हो गया है। तो आपको ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीजें याद रखेंगी। इसके अलावा हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, द यूरिन हैज ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ फिनाइल पाइरिडिक एसिड। फिनाइल का अगर बॉडी के अंदर ज्यादा लेवल बढ़ गया है तो उसका जो अमाउंट, कुछ अमाउंट है तो वो यूरिन के अंदर आने लग जाता है हाई कंसंट्रेशन के अंद अंदर। तो ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट नर्स के द्वारा दिया गया वो राइट है। इसके अलावा हम बात करें मेंटल डिफिशिएंट आर ऑफ्टन प्रेजेंट विद पीकेयू, कि मेंटल डिफिशिएंट, मेंटल डिसऑर्डर्स भी पीकेयू के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि अगर अगर फेलनाइन का अगर लेवल ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, तो वो ब्रेन की जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जिस वजह से वहाँ पे फिर मेंटल डिसऑर्डर्स, बिहेवियर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। द इफेक्ट ऑफ पीकेयू आर रिवर्सिबल, मतलब कि जो फिनाइलकेटोन्यूरिया है, फिनाइलकेटोन्यूरिया, इसके जो इफेक्ट है वो वापस से सही हो सकते हैं। तो ये रॉन्ग आंसर है, ये सही नहीं हो सकते, रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो रिवर्सिबल कभी भी नहीं हो सकते। इसके अलावा हम बात करते हैं क्लासिक फिनाइलकेटोन्यूरिया, किसको बोला जाता है क्लासिक फिनाइलकेटोन्यूरिया, क्लासिक पीकेयू किस कंडीशन को बोला जाता है, कि जो फिनाइलकेटोन्यूरिया के सीवियर माइल्ड टू सीवियर हो जाते हैं, सीवियर दो सीवियर साइन सिम्टम्स आते हैं, सीवियर साइन सिम्टम्स, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है क्लासिक पीकेयू। इसके अंदर क्या होता है कि फिनाइल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अगर काफी ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं ब्रेन को, तो उस वजह से फिनाइलएलानिन का लेवल बॉडी के ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है, उससे क्या होगा क्लासिक फिनाइलकेटोन्यूरिया का, उसके अंदर क्या होता है मस्टी मस्टी माउस माउस और डार्क, जो पेशेंट है उसकी स्किन उसके उसके सॉरी बॉडी के अंदर से मस्टी माउस ओडा वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्किन डिसऑर्डर भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स भी वहाँ पे पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के अंदर भी वहाँ देखने को मिलते हैं। इनिशियल एज के अंदर
इन्फेंट के अंदर लो फेनिलएलनाइन डाइट देनी पड़ती है, लो फेनिलएलनाइन डाइट, लेकिन बाद में इसको जैसे जैसे एज बढ़ती है वहां पे रेस्ट्रिक्टेड फेनिलएलनाइन डाइट वहां पे पेशेंट को देनी होती है। तो आपको ये चीजें फेनिलएलनाइन के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ये यहाँ पे आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ये यहाँ पे राइट आंसर बी होने वाला है, इफेक्ट ऑफ पीके वा रिवर्सिबल, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट नर्स के द्वारा दिया गया वो फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, यहाँ पे दे रखा है पेशेंट हैड टेकन एन ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन, पेशेंट ने एस्पिरिन की ओवरडोज हो गई है। Which of the following should a nurse must closely monitor for during acute management of this patient? कि nurse है वो closely management कर रही, monitor कर रही है during acute management of this patient. तो और aspirin की overdose हो गई है, तो patient के अंदर nurse कौन सी इन चीजों को वहाँ पे monitor करेगी? तो अपन देखते हैं ऑप्शन डी है, पार्किंसन डिजीज टाइप सिम्टम, पार्किंसन डिजीज टाइप सिम्टम्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, मसल रिजिडिटी, मसल रिजिडिटी, इसका वहां पे देखने को मिलेगा। फेस लाइक मास्क लाइक फेस, मास्क लाइक फेस, इसके अलावा वहां देखने को मिलेगा आपको ब्रेडी कार्डिनेंसिया, इसके अलावा आपको वहाँ पे मसल रिजिडिटी भी देखने को मिलेगी, कॉक व्हील रिजिडिटी, वहाँ पे अदर साइम्टम्स आपको स्पीच डिफिकल्टी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, बैलेंस का गड़बड़ देखने को मिलेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स के अंदर काउंट होती हैं। वैस्कुलरिटी एल्कुलेसिस वहाँ पे नहीं होता है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस नहीं होता है, यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ऑनसेट ऑफ पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, क्यों? अगर एस्पिरिन दी ओवरडोज हुई तो एस्पिरिन की वजह से वहाँ पे रीनल और जो पल्मोनरी टिश्यूज है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे वहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, तो इस वजह से वहाँ पे पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। अगर ऑक्सीजन ये एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी की अपन बात करें, यहाँ पे टिनाइटिस देखने को मिल सकता है, वहाँ पे कोमा भी देखने को मिल सकता है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ट्यूशन सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।